ये कैसी डरावनी जगह। मैं निकलता हूं। मैडम मैं आपको ऑर्डर लेके आया। अंदर आ जा। कहाँ फंस गया? बाहर तो डरावना था ही, अंदर तो और भी भयानक। पैसे वैसे छोड़, निकल गया। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। से डैडी की बात। अर्जुन मैं क्या करूं? डैडी मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। काम्या तुम्हारे डैडी के मरे 15 साल गए। He's dead. नहीं अर्जुन, नहीं। मैं अपने डैडी से बात करना चाहती हूँ। हर हाल में उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। योगी बात करा सकता है। हाँ अर्जुन, जब मैं उनके यहाँ थी तो मैंने पापा को मिरर में देखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे अर्जुन। और उसके बाद क्या हुआ मुझे मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद तुम वहां पे बेहोश हो गई थी कामया, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया कामया। और रही बात उस जोगी की, तो एक नंबर का ढोंगी है, मंत्र संत्र वाला है वो। एक दिन मैं उसकी पोल जरूर खोल के रहूंगा कामेल। I'll expose him. वो एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, लेकिन अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो कामेल, तुम्हें बूढ़े लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। हाँ तो फिर काम करो कामेल, तुम मेरी आंटी के यहाँ चले जाओ। यहाँ से शहर से दूर रहती हैं, और मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। पैरालिसिस हो गया उन्हें, कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी हेल्प कर दो। देखो मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अपनी माँ के मुंह से उनका नाम जरूर सुना है। अर्जुन ना, आंटी मेरा मतलब है मेरी मम्मी की बहन। अच्छा,
मेरी मौसी। क्या क्या लटका कर रखा है? मेरे अंकल एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। मम्मी कहती है उन्हें बचपन से ऐसी चीजें इकट्ठे करने का शौक है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं बाप। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आ। अर्जुन, क्या ये वाकई में तुम्हारी आंटी? ये तो इतनी जवान है, ये तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती? आंटी है मेरी। अर्जुन, तुमने उनके हाथ देखे? एकदम बुढ़िया जैसे थे। बड़ी अजीब सी जगह है यार। लगता है ब्रिजमोहन अंकल है। नमस्ते अंकल जी, मैं अर्जुन हूं और ये काम्या। नमस्ते। कैसे हैं आप? इन्हें पैरालिसिस का अटैक है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओ, बातों बातों में भूल गया, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है आंटी। ओके अंकल, बाय। अच्छा आंटी, घबराओ नहीं काम्या, ये घर जरा सा पुराना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा घर है, बस एक आईने की कमी है। इस घर में आईना लाना मना है। वैसे आप अर्जुन की आंटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जवान लगती हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। इस घर में तो नेटवर्क भी नहीं है। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? में आईना लाना मना है। अंकल, समा आंटी ने तो कहा था कि इस घर में मिरर लाना मना है, तो फिर ये मिरर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? मिरर इसके पास में
मैंने कहा ना पियो। तुम यह क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखा है, जाकर खा लो। जाओ। लेकिन आंटी, मेरे कमरे में आना मना है। ये सूट पीने के बाद अंकल को अचानक क्या हो गया? अंकल की आवाज क्यों नहीं निकल रही? समांटी ने मुझे क्या खिला दिया जिसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही, सर अभी भी चकरा रहे। चिल्ला क्यों रही हो? रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये हड्डियाँ। तुम्हारे चीखने से मेरी नींद खराब हो गई और ब्रिज की नींद खराब हो जाएगी। ये हड्डियाँ कहाँ से आई? ब्रिज आर्कोलॉजिस्ट है, पुरानी हड्डियाँ जमा करने का उसे शौक है। ऐसी बहुत सारी चीज मेरे घर में मिली। लेकिन ये हड्डियाँ तो ताजी है। ये हड्डियां पुरानी है, जाकर सो जाओ। अगर समा आंटी सो रही थी तो फिर उनके हाथ में मिट्टी कैसे? जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस घर में, अर्जुन को बताना पड़ेगा। जाकर देखती हूँ। ये कौन है? और समांटी कहाँ गई? जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए, क्या बोल रही? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसे घर से बाहर अकेले मत घुमा करो। खामिया, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगी? जाओ, जाकर सो जाओ। जी। और सुनो, ये रख लो, ये घर की और सारे कमरों की चाबी है। अगर तुम घर से बाहर रह गई तो तुम्हारे काम आएगी।
चलो स्वामी, चलो। ये कौन है आंटी? घर की नौकरानी है, हमेशा बीमार रहती है, क्या करें, सबको दवाई देनी पड़ती है। तुम जाकर सो जाओ, चलो। डैडी भी कुछ बोलना चाह रहे थे और सावरी भी, लेकिन सावरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। काश कि मैं सुन पाती कि वो क्या बताना चाह रहे थे। लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, लीजिए। आपने बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या, मुझे बताइए यहाँ क्या क्या होता है, बताइए ना। हाँ बोलिए, बताइए, जल्दी बताइए मुझे, यहाँ क्या होता क्या है? हम यहाँ से भाग लो। लेकिन क्यों? काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनसे ज्यादा बात मत किया करो। डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया है। जी मैं तो बस बस है ना ब्रिजमोहन, ये पी लो। ब्रिज मोहन दवाई पी लो, ब्रिज दवाई पी लो, मैंने कहा दवाई पी लो, ब्रिज। शायद उन्हें दवाई पसंद नहीं। तुम बीच में मत बोलो। वो अब सावरी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब वो अपने घर चली गई। घर चली गई अचानक? कल तक तो वो ठीक हो गई तो भाग गई। इनका हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये तो और भी जवान लग रही। सावरी भी गायब है। काम्या, तुम इन्हें सुलाकर अपने कमरे में चले जाओ, ठीक है? दरवाजे के अंदर जाने के बाद से सावरी दिखाई नहीं पड़ रही है। डैडी, बेटा बचा लो अपने आप। काम है, बहुत बुरा होने वाला है। डैडी, बचा लो बेटा, बचा लो बेटा। डैडी, क्या होगा इस दरवाजे के पीछे? डैडी भी यही पर ही दिखाई दिए थे और समा और सावरी भी इसी दरवाजे के पीछे गए थे। समा आंटी बाहर गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए सावरी को क्या हुआ है। Thank you.
How could you do this? तुम जानते हो मैं परेशान हूँ। उसके बाद अरे please don't cry। मैं तो मजाक कर रहा था। I'm sorry। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपनी आंटी की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंटी क्या करती है? क्या करती? चल के देखो एटिक में कितने मुर्दे भरे हुए हैं वहाँ पर। उन सबको मार के उनका खून पी जाती है। कहाँ है लाश कामया? अर्जुन, अर्जुन वो लाशें यहीं पर थी। चारों ओर लाशें ही लाशें थी। अर्जुन, मेरे डैडी की लाश भी मिली। कामया, तुम्हारे डैडी 15 साल पहले गायब हुए थे, उनकी लाश यहाँ पे कैसे हो सकती है? कम ऑन अर्जुन, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लाशें यही थी। किधर गई वो लाशें? यही पर तो थी वो लाशें। किधर गई? कहाँ है लाश, बताओ मुझे, कहाँ? यहाँ पे, इसके अंदर है। ये लाश है। ये भी खाली है कामेज, nothing there inside, nothing. और यहाँ हाथों के निशान भी नहीं है। What are you doing? देखो कामया, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की है, और तुम मुझे कहानियां डाल रही हो। तुमने मेरी आंटी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा कि वो जादू टोना करती है, लोगों के शरीर में से आत्माएं निकाल कर खा रही है। What is all this? लेकिन अर्जुन, तुम्हारी आंटी। ये क्या आंटी आंटी लगा रखा? तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में क्या ताक झांक कर रहे हो? आंटी, कामे की ओर से मैं माफी मांगता हूं। हम तो ऐसे ही यहां पे, कामे की तबीयत खराब हो गई है। इसे ऐसे लगता है कि इसके डैडी की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है। बस ये सब मुझे मत बताओ। और कामया, ये आत्मा वात्मा क्या होता है? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुमने ब्रिजमोहन जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना। तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी। तो वैसे ही बहुत इंसल्ट कर चुकी है उनकी। ये लाशें गए कहां? जरूर सामा आंटी ने कहीं छुपाई होगी। मेरे डैडी भी इसी खतरे के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। जो भी कहना है वहीं से कहो, मेरे पास मत। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आपसे बिना पूछे
एटिक में नहीं जाना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई जादू वादू नहीं कर रहे। दरअसल गलती मेरी थी और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल, अंकल संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। आंटी, क्या हुआ? मुझे मालूम था तुम फिर जरूर आओगी। मैं उसी के घर में थी और वहां मैंने देखा कि शीशे में वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी, एकदम एकदम चुड़ैल जैसे। उसका असली चेहरा एकदम जवान है। हाँ। और जो मिरर में दिखाई देता है वो एकदम भयानक। मतलब वो कहीं से जवानी खींच रही है। उसकी नौकरानी सावरी वो भी गायब हो गई और मुझे मुझे मेरे डैडी भी वहां दिखे। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था कि तुम वहां से बचकर चली आई। तुम्हारे डैडी ने भी कहा था उस दिन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे डैडी ने? तो फिर डैडी से ही पूछते हैं कि समा आंटी असली में है क्या। यहां हाथ रखो। जल्दी से बुलाओ अंजना के डैडी को, जल्दी बुलाओ। डैडी, डैडी आप कहाँ हैं? बुलाओ, बुलाओ, सामरी को भी बुलाओ, आओ दोनों को आने में मदद करो। डैडी, बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। डैडी, सामिया बिठा, सामिया बिठा, वो समा नहीं है, नहीं। माया है, माया है, माया है। 15 साल पहले उसने मेरा शरीर अपने वश में कर लिया था बेटा, और मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। सैकड़ों सालों से वो और उसका पति लोगों के जिस्म से आत्मा निकालते चले जा रहे। हर थोड़े दिन के बाद में एक नया शरीर चाहिए जिससे जवान बने रह सके। समा की ये जवानी मेरी वजह से, मुझे मारकर मेरी सारी उम्र खा गई। खुद को बचा लो, खुद को बचा लो और समा को मार डालो, मार डालो, मार डालो। डैडी, 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 डैडी। समा को खत्म कर दो, मार दो, ये लो। लेकिन इसमें एक महान आत्मा की राख है, इससे अगर तुम समा के सामने लाइन खींचोगी तो वो इसे पार नहीं कर पाएगी, डर जाएगी। लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? तुम उस मिरर को तोड़ दो, उस शीशे को जिसके सामने वो बैठती है। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उन सारी आत्माओं को भेज दूंगा जिनकी लाशें वहां पड़ी थी, वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन
मैं जान 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 तुम यहाँ वापस आ रहे हो। आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। हाँ समा, सच कहा था, वही होता है जो किस्मत में लिखा। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो, समझी तुम? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियाँ खोलो, जल्दी जल्दी करो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, क्षमा आंटी जादू टोला करती है, वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा में निकालना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी क्षमा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जाने में कितने साल लोगों की आत्माएं निकल जा रहा हूं। दिलीप, मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। Oh!
आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।